तम सर्वत्र संस्कृतम सर्वेषाम इति धिया संस्कृत जनेभ्यः मार्गम प्रदर्शयति पंडितो यम लोकोपकाराय सत्यमेव आचार्य प्रवरस्य योगदानम अति प्रशस्यम संस्कृत सेवा व्रतमेव अंगी कुरवानः अन्यतम हा, अस्माकं वार्तावलीय संस्कृत शिक्षकः भट्ट महोदयोपि तत्र प्रतीक्षते संस्कृत कक्षायाम् अहो तत्र कथा श्रवणाय उत्सुक अस्मि अहम् नमस्कारः अद्य पुनः वयम् अस्याम कक्षायाम संस्कृत शिक्षाए उपस्थितास्म। पूर्व कक्षायाम् वयम वाक्यानाम अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य पुनः वाक्यानाम् अभ्यासाय वयम मार्गं प्रति गच्छाम। अश्विन मार्गे एषः शिरस्क विक्रेता भ्रमति। शिरस्कानि विक्रीणाति। शिरस्कानि विक्रिणात्।

कि मैं बहुत तदा वानरा। वानरा का हूँ। तदाशा एकस्य वृक्षस्य अधा पोटलिकाम संस्थाप्य विश्रामम् आचरत्। तस्विन् वृक्षे वानरासन्। तस्विन् वृक्षे ते केवानराहा तत्र पोटलिकाम दृष्टवा अधा आगच्छम्। अधा आगत्या ते सर्वे पी पोटलिकाता ग्रीत बनता, पुनः ते ऊपरी वृक्षे गत यदा शिरस्क विक्रेतुः निद्रा भगना जाता, सह रिक्ताम पोटलिकाम आश्चर्यचकित आश्चर्यचकितावुद कुत्र गतानि शिरस्कानि, तदा यतस्ततः दृष्टवा सह वृक्षस्य ऊपरी दृष्टवान्, तत्र वानरासन, वानरानाम हस्तेषु

स्वहस्तेन स्वसिरस्कम सिरसि स्थापितवान स्वसिरस्कम सिरसि स्थापितवान वानरा अपि सिरस काणि सिरसि स्थापितवन्त तदा सः स्वसिरस्कम भूमो अक्षिपत वानरा अपि स्वसिरस काणि भूमो अक्षिपन सिरस्क विक्रेता च सिरस काणि संग्रीया पोटलिकायां संस्थाप्य निश्चिंत अभवत् तदा च पुनः सः समार्गे विक्रेतुं तत्र गत तथा गतवान् अनेन प्रसंघेण शिक्षा मिलती यत विपत्ति काले यदा संकटाग्रस्तः कोपि भवति तदा विवेकेण कार्यं करणीयम् केन कार्यं करणीय विवेकेण कार्यं सामप्रतं एकाः श्लोका सहसा विदधीतना क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् वृणुते हि विमृश्यकारिणम् गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः विपत्तिकाले कदापि चिन्ता नैव करणीया विवेकेन कार्यं करणीयं तदेव साफल्यं मिलति अस्तु अधुना संपन्नायम इयं कक्षा आगामी सप्ताहे समाग तावत समागमिष्यावत्पर्यंत नमस्कारः नमस्कार।